अब बता दो कौन कौन से क्वेश्चन थे, तुम लोग बता दो। लाओ दो कॉपी दो, किसी ने ड्रॉ किया है ना बेटा, तू मत दे, तेरा वेज और डैश हो जाता है, तेरा वेज डैश मुझे कंफ्यूज कर देगा। तीनों क्वेश्चन लिखवाए थे ना, तीनों क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, हम लोग निकालते हैं अभी फिर से, ठीक है। तो कौन सा था, ऐसा था कुछ, मुझे कल का ही लेक्चर नहीं मिला तो ये वाला लेक्चर किसको समझ में आएगा, और देख कौन रहा है, मैं वो समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रसन्न तो यहाँ आके भी ढंग से देखता नहीं है, वीडियो लेक्चर कहाँ से देखते होंगे बच्चे, क्यों प्रसन्न? अरे तू यहाँ आके भी है ना, बोलूंगा रुको तुम्हारे बारे में, रुको, तू बता रहा था रियान उसको, तू बता रहा था उसको, मिलजुल के क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, जेई का भी मिलजुल के करना पेपर, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। रियान तू घर नहीं जाएगा क्या, सोच रहा है? बहुत बढ़िया, CS3 HBRA ऐसा है, हाँ गलती हो जाती है ना इंसान से, उसमें क्या है, तो तुम लोग गलतियाँ ढूंढो मेरी, और क्या आगे बढ़ जाओगे उसी से। चलो 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 अब करते क्वेश्चन, मज़े से करेंगे अब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेन मॉलिक्यूल तुम्हें पता है, मेन मॉलिक्यूल में मैं तुमसे ही पूछ लूँगा, ठीक है ना। अब इन तीनों का वो जो कल बनाया था स्ट्रक्चर यहाँ पर, उसके साथ रिलेशनशिप क्या होगा वो पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला कैसे निकालेंगे, पहला निकालने का तरीका तुमको पता है। अब देखो सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ लाना है, पहले से ही नीचे है ना, तो इसको इसमें प्रायोरिटी डाल लूँ मैं यहीं पर, इसी के अंदर प्रायोरिटी लिख दूँ, सामने देखो बेटा, जो करके नहीं लाया वो सामने देखे, जो करके लाया वो भी सामने ही देखे। बोलो अब ये वन होगा, अब टू कौन सा होगा, टू कौन सा लाइन होगा, बोलो ये वाला टू होगा, ये कौन सा होगा थ्री होगा, और ये कौन सा होगा फोर। अब क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो बेटा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब देखो वन यहाँ चला जाएगा सामने, देखो वन यहाँ चला जाएगा, फोर यहाँ चला जाएगा, टू यहाँ जाएगा, थ्री यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वन के बाद क्या आएगा, टू कहाँ आएगा, लेफ्ट, और ये आपका थ्री, क्या हो गया बेटा ये आपका एस। अब इसके लिए बेचारे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मिरर इमेज, लो मिरर इमेज, ये बी आर ए, ये आपका इधर है, ये आपका एच ए, ये आपका सी एस थ्री है, ठीक है, ये आपका बी ग्रुप है कोई भी, ठीक है ना, ए मान लिया या फिर बी मान लिया, बी मतलब बोरोन नहीं है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से यहाँ पर, अब बताओ सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, एक बी आर को दे दिया, दूसरी प्रायोरिटी इसको दी, तीसरी इसको दी, और चौथी इसको दी। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो अब कौन किससे एक्सचेंज होगा, बोलो ना, फोर आपका किससे एक्सचेंज होगा, वन से, तो वन कहाँ चला गया, इधर, और टू और थ्री में टू कहाँ आएगा, तो वन टू थ्री घुमाओ, क्या बना, आर घुमा, पक्का, तो ये आर टाइप में घूम गया, कौन से टाइप में घूम गया, आर टाइप में। अब आपके मेन मॉलिक्यूल में ढूंढो, मेन मॉलिक्यूल में OH वाला साइड, सुनो ये वाला कार्बन पकड़ो, इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए, अरे बोलो ना, CH3 OH और H, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है S, और मेन मॉलिक्यूल में चेक करो CH3 OH और H वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है S। ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, BR CH3 और H से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया R, जो मेन मॉलिक्यूल है उसमें चेक करो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन R होगा, क्लियर है कंसेप्ट, डाउट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट ये वाला बताओ आप जल्दी से, अब इसमें कौन से फॉर्म में बनाया गया ये आपका, खड़ा हो प्रश्न, कौन से फॉर्म में बनाया गया है? वेज डिश, तो क्या रूल होगा बोलो। अब सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, वन के बाद कहाँ जाएगा, टू ये हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा थ्री, और ये क्या हो जाएगा फोर। अब मुझे फोर को कहाँ लाना है, अरे फोर को कहाँ लाना है, डैश पर, जो नीचे लाए हो वो 100% गलत हो। वेज डैश में हम क्या करते हैं, डैश पर लाएंगे ना, लेके आ डैश पर, फोर को इधर लाया, थ्री यहाँ गया, तो ये वन कहाँ जाएगा, वन यहाँ जाएगा, टू यहाँ जाएगा, और थ्री कहाँ है, इधर है ना थ्री, तो वन टू थ्री ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोलो, आर। और यहाँ पर बताओ, बैठ जा अब, बताओ नंबरिंग करो, ये वन हो गया, ये आपका टू हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा, और ये आपका फोर हो जाएगा, फोर को कहाँ लाना है, वेज और डैश पर, तो वन यहाँ चला जाएगा, टू यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, तो वन टू बोलो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका एस बन गया, ये आपका एस। अब बोलो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपका सी स्टार OH से जुड़ा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, सी स्टार देखो सी स्टार है, किससे जुड़ा हुआ है, OHCH3H से, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, यहाँ पर S, और मेन मॉलिक्यूल में कितना था, S था, और यहाँ पर सी स्टार R, मेन मॉलिक्यूल में कैसा था, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा आइडेंटिकल होगा। हाँ नीचे हुआ तो क्या हुआ ना, अरे बेटा ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था तुम लोगों के लिए कि तुम लोग इसको ऐसा सोचो, ऐसा जानबूझ के बनाया गया था। मैंने वेज डैश में क्या बताया था, वेज डैश कुछ नया बताया मैंने, वेज डैश का टेक्निक यूज करना है इसमें उसका, ठीक है। ये वाला बताओ पहले खींचेंगे फिर साइड में लाएंगे, है ना, ऐसा ही ना, तो पहले खींचो फिर साइड में लेके आओ, बोलो क्या बनेगा ऊपर, बोलो ये आपका BR, ये आपका H, ये आपका CH3, बैक कार्बन हो गया ना, ये बैक कार्बन या फिर आपका रेयर कार्बन, और फ्रंट कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, CH3H, और ये आपका OH, बात क्लियर है, अब बताओ इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसको मुझे मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, बनाओ जल्दी से, CH3OH, और ये आपका क्या हो गया H, और ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओ बोलो फटाफट, अब नंबरिंग बोलो, नंबरिंग करो, वन किसका होगा, हाँ वन इसका हो गया, टू किसका होगा, एक आ, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, अब एक्सचेंज करो, ये इससे तो तीन यहाँ आ गया, तीन यहाँ आ गया, वन यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया, तो कि कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एस, समझ में आया, ये वाला बोलो, अब इसमें नीचे तो लेके जाना नहीं है, अब नंबरिंग करो, ये हो गया वन, ये हो गया आपका टू, ये हो गया आपका थ्री, ये हो गया आपका फोर, अब फोर को कहाँ लेके आना है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये तीन यहाँ चला जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, मतलब ऐसा हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया बेटा आपका R। अब देखो ऐसा ग्रुप जहाँ पर आपका BRCH3H जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन जहाँ पर BRCH3H जुड़ा हुआ है वो यहाँ R में है, और मेन मॉलिक्यूल में कहाँ पर है, R में है, मेन मॉलिक्यूल में भी R में है, चेक करो उसमें, मेन मॉलिक्यूल में जो मेन मॉलिक्यूल बनाया था उसमें भी कहाँ पर है, R में। ये वाला बोलो ऐसा कार्बन जो आपका OHCH3H से जुड़ा हुआ है लेकिन मेन मॉलिक्यूल में कहाँ पर है, एस में, तो क्या हुआ, ये एस है और मेन मॉलिक्यूल में तो वो क्या था, बी आर वाला क्या था, मेन मॉलिक्यूल निकालो ना, मेन मॉलिक्यूल में भी आर था क्या,
आर था पक्का, फिर ये आइडेंटिकल हो गया होगा पक्का। तुम्हारा चेक करता है ये ऐसे ओ ओ एच वाला ऐसे आइडेंटिकल। ओह ठीक है, ये भी आइडेंटिकल हो गया। ठीक है सही है सही है, तुम्हारा ये भी आपका क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया आइडेंटिकल, ये भी तुम्हारा क्या हो गया आइडेंटिकल। समझ में आ गया तुम लोगों को, समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगला देखो, एक और लिख लो उसकी जगह। मैंने एक मॉलिक्यूल गलत बना दिया था तो इसकी वजह से तुम्हारा एक क्वेश्चन छूट गया। ये OH, ये H, ये CH3, ये आपका BR, H और CH3। आप बताओ इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा उसका, इसके साथ बताओ क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे करोगे बोलो बेटा। कौन सा था ये वाला आपका नंबर, कौन से नंबर का था? थर्ड, फोर्थ और ये कौन सा था? फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। जल्दी बताओ क्या रिलेशनशिप होगा, जल्दी बोलो। नंबरिंग करो सबसे पहले, नंबरिंग करो बेटा, सब बोलो आंसर। ये वन हो जाएगा, ये आपका टू होगा, ये आपका थ्री होगा, ये आपका फोर होगा। पहले से डाउनवर्ड है ना, अब फोर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और वन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। टू कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। और यहाँ ये यहाँ, तो कैसे घूमेगा? तो ये एस कन्फिगर्ड हो गया, ठीक है एस कन्फिगर्ड हो गया, बात क्लियर है। और ये वाला बोलो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे जल्दी बोलो। मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। बना दिया मिरर इमेज मैंने, बना दिया कि नहीं बनाया? बना दिया, ठीक है। आप बताओ नंबरिंग करो, नंबरिंग डालो बेटा, नंबरिंग डालो। ये आपका ए मान लिया या बी मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर वन और ये आपका टू, और आगे बोलो ये आपका थ्री और ये आपका फोर। आप कैसे चेंज करोगे, इंटरचेंज बोलो एच को ओ एच से। तो फोर यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, थ्री यहाँ आएगा, टू यहाँ आएगा। तो वन टू थ्री घुमाओ ऐसे, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आर। तो देखो अब मेन मॉलिक्यूल में जो सी आपका ओ एच से जुड़ा है, CH3 से जोड़ा है, वो कौन सा कन्फिगर्ड था मेन मॉलिक्यूल में? S, उसका क्या कन्वर्ट हो गया? R। और जो मेन मॉलिक्यूल में जो C जुड़ा है BR के साथ, वो कौन सा कन्फिगर्ड था वहाँ? R था। यहाँ कौन सा कन्फिगर्ड है? S। तो ये क्या हुआ बेटा, एग्जैक्टली मिरर इमेज। क्या आ गया बेटा ये आपके? एग्जैक्टली मिरर इमेज। समझ में आया? एग्जैक्टली मिरर इमेज। ये बात क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को? ये बात किस किस को समझ में आ गया बेटा? कम्प्लीटली समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूँ मैं रिलेशनशिप ना हो। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिरर इमेज। लिखो मिरर इमेज, अगला पॉइंट लिखो मिरर इमेज। मिरर इमेज आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के आपके मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। लिखाता हूँ मैं, देखो मिरर इमेज आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा आपका कौन सा, कौन सा होगा बताओ? इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा, अपने अंदर नहीं, मिरर इमेज। दो टाइप के होंगे, एक होगा बेटा आपका कौन सा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और एक कौन सा होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अभी तक हमने चार टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से टाइप पढ़ लिए? अब अभी तक हमने तीन टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पढ़ लिया है बोलो। और कौन सा पढ़ा है? मिरर इमेज पढ़ लिया है। और अब डायस्टीरियोमर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मिरर इमेज के दो पार्ट होते ही कितने हो जाएंगे टोटल बोलो? चार टाइप आपके चार हो जाएंगे। कितने टाइप के हो जाएंगे? चार। अब चारों के चारों अगर आपने कमांड में कर लिए तो सब आपके कमांड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मिरर इमेज के टाइप पढ़ लेते हैं। मिरर इमेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होंगे। एक होगा बेटा आपका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज,
सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, और एक आपका क्या होगा बेटा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या होगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। बात समझ में आई? ठीक है, एक आपका क्या होगा बेटा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, एक कौन सा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो अब हम समझते हैं एक एक करके। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल, मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल। समझ में आया? रेफरेंस मॉलिक्यूल का मतलब समझे, रेफरेंस मॉलिक्यूल का मतलब समझे, जो मॉलिक्यूल मुझको दिया गया है वो रेफरेंस मॉलिक्यूल। ठीक है, मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल कैन कवर कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल कैन कवर रेफरेंस मॉलिक्यूल कंप्लीटली, रेफरेंस मॉलिक्यूल कंप्लीटली। समझ में आया बेटा? जो आपके रेफरेंस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली कवर कर दे, मतलब देखो कोई मेरा रेफरेंस मॉलिक्यूल है, देखो इधर ये मेरा रेफरेंस मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मैंने रेफरेंस मॉलिक्यूल माना है, समझना साइड में, यही समझाता हूँ, उसको वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मॉलिक्यूल का मैंने क्या बनाया बेटा यहाँ पर, मिरर इमेज। क्या बनाया? मिरर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज जो होगा वो ऐसा हो कि ये इसको कम्प्लीटली कवर कर दे, कम्प्लीटली क्या कर दे, कवर कर दे, तो क्या होगा बेटा, वो आपका सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन अगर मैं अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल लिखना चाहूँगा तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो बोलो। मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या होगा, कैन नॉट कवर रेफरेंस मॉलिक्यूल कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली कवर ना करे। ये सब चीज़ तो तुम लोग जानते हो, सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, यहाँ तक तुम लोग काफ़ी हद तक जानते हो। क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट ये क्लियर हो गया पक्का? थोड़ा सोचो इस पे, फोकस करो, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ये बताओ, जिसका रेफरेंस मॉलिक्यूल और मिरर इमेज दोनों ही सिमिलर होंगे तो क्या ये आपका आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे, क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे? लिखो पॉइंट एक, लिखो एक स्पेशल पॉइंट लिखाता हूँ, लिखो आप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुनो एक एक करके। अब ये जो है ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखेगा कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा कहाँ बोलो, जब आपके मॉलिक्यूल में क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस टाइप ऑफ मिरर इमेज एग्जिस्ट व्हेन मिरर इमेज, जल्दी बोलो, एग्जिस्ट व्हेन व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एग्जिस्ट इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ऐसा लिखो, एग्जिस्ट इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। समझ में आया, समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं तुम्हें अब समझाऊंगा ये वाला पॉइंट अच्छे से। सेकंड क्या है बेटा, दिस टाइप ऑफ मिरर इमेज एग्जिस्ट इन डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कहाँ एग्जिस्ट करेगा बेटा आपका, डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। अब तुम्हें समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, समझो इसका एग्जाम्पल समझो। मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी और तुमको बार बार बोला था, सी स्टार इज नॉट अ एसेंशियल नीड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आया?
बट एसेंशियल नीड क्या है बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब तुम्हारा डाउट खत्म हो गया। हाँ, अब देखो यहां पर कितने सी स्टार हैं? थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर सी स्टार कितने हैं? ध्यान से यहाँ फोकस करो सब। यहाँ पर कितने सी स्टार हैं? दो सी स्टार है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। समझ में आया? सी स्टार की वजह से क्या होना चाहिए? कंपाउंड कायरल होना चाहिए। लेकिन अगर क्या इसमें पी ओ एस एग्जिस्ट करता है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है? चेक करो, मुझे दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, बताओ। देखो अब ये आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मैंने क्या बोला था, सी स्टार इज नॉट अ एसेंशियल नीड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब ये क्या होगा बेटा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर सी स्टार है, सी स्टार इसको क्या बनाना चाहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कंपाउंड को ही मैं क्या मानूंगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव मानूंगा। समझ में आया? समझ में आया? इस टाइप का कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू वॉट? प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सी स्टार। ठीक है, तो क्या बोल सकते बेटा यहाँ पर? बोलो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों बेटा बोलो जल्दी से? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट ड्यू टू, बोलो, नो, नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो इधर बेटा, तू सो जा। अब बताओ, अब बताओ इसमें कायरल सेंटर है? हाँ, कायरल सेंटर एग्जिस्ट है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कौन सा वाला कैटेगरी में आ गया? क्लियर हुआ फोर पॉइंट? अब ये बताओ, क्या यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, है ना? लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक पी ओ एस है, पी ओ एस भी नहीं है और सी ओ एस भी नहीं है। तो ये क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होगा बेटा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा बेटा? ये आपका बोलो जल्दी जल्दी से। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पी ओ एस एंड सी ओ एस एज वेल एज कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। समझ में आया? क्या होगा बेटा बोलो जल्दी से? ड्यू टू द, बोलो क्या होगा? एब्सेंस ऑफ सी ओ एस एंड पी ओ एस एंड, बोलो क्या होगा? कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। समझ में आ गया तुमको पॉइंट आप? क्लियर हो गए सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? अब देखो इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसी में लिख रहा हूँ, नीचे लिखते जाना तुम लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एक साथ, क्योंकि मैं एक के बाद एक उसी से बनाता जाऊंगा ना, मैं इसी से बनाता जाऊंगा इसलिए। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ अब बताओ? मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल एंड रेफरेंस मॉलिक्यूल्स आर, क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल और रेफरेंस मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। सेम को कुछ अच्छा टर्म बोलो ना, आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या बोलेंगे बेटा थर्ड पॉइंट? बोलो जल्दी, बोलो मिरर इमेज ऑफ, बोलो जल्दी से,
मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल एंड, जल्दी बोलो, एंड इट्स एंड रेफरेंस मॉलिक्यूल बोथ आर, क्या हो जाएगा बेटा ये आइडेंटिकल, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आइडेंटिकल। क्या मैं आइडेंटिकल कंपाउंड को एक एक आइसोमर डिसाइड करूंगा? क्या मैं आइडेंटिकल कंपाउंड को दो आइसोमर डिसाइड करूंगा या फिर एक? अब सुनो सुनो ध्यान से, नहीं समझ में आया तुमको मेरी बातें? ए और बी दोनों आइडेंटिकल, यहाँ पर ए और बी दो आइडेंटिकल कंपाउंड है, तो क्या ये दो अलग अलग आइसोमर होंगे? क्या ये दो अलग अलग आइसोमर होंगे कि एक ही काउंट करोगे? एक ही काउंट करोगे ना, तो इसमें हम क्या बोलेंगे बेटा, इस टाइप के आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्टिकल उसके दूसरा काउंट नहीं करेंगे। तो बोलो जल्दी से, दिस टाइप ऑफ आइसोमर क्या होगा बेटा? दिस टाइप ऑफ आइसोमर ए आइसोमर इज क्या होगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा बेटा, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा जी, जल्दी बताओ। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा बेटा, बोलो क्यों होगा? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ, अभी अभी लिखा है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी ओ एस दिस इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा इसको, थर्ड को बोलो बेटा, यहाँ पर मिरर इमेज, जल्दी बोलो, मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल, मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल एंड रेफरेंस मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या होगा बेटा, बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब क्लियर हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अब बताओ इसमें, बताओ फोर्थ क्या होगा बेटा, यह वाला, ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर क्या होगा बेटा, आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपके क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बात क्लियर है? अब फिफ्थ वाला पॉइंट बताओ, अब क्या होगा? फिफ्थ वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं मीजोमर, इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, मीजोमर। और इस टाइप के आइसोमर जिसमें दो बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर, क्या बोलेंगे उसको, एनेंशियोमर्स। आपके पास दो नए टर्म आए, कौन कौन से टर्म आए बेटा बोलो, अब एक मीजोमर आया, एक एनेंशियोमर आया। कल क्या आया था तुम्हारे पास, डाइस्टीरियोमर्स, कल क्या आया था तो तुम्हारे पास, डाइस्टीरियोमर्स। अब देखो एनेंशियोमर का मतलब क्या है, मिरर इमेज बनेगा लेकिन मिरर इमेज और बोलो, मिरर इमेज बनेगा लेकिन मिरर इमेज और रेफरेंस सेम नहीं होंगे। लेकिन मीजोमर का मतलब क्या है, मिरर इमेज बनेगा लेकिन मिरर इमेज और रेफरेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वो कौन से होंगे बेटा, वो आपके मीजोमर होंगे। और मीजोमर की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है या फिर COS की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ना कि आपका सी स्टार के एब्सेंस होने की वजह से। समझ में आया? सी स्टार इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने जो लाइन लिखाई थी, सी स्टार इज नॉट अ एसेंशियल नीड ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, वो मैंने किसके लिए लिखाई थी, किसके लिए लिखाई थी बोलो, मीजोमर के लिए। किसके लिए लिखाई थी वो मैंने, मीजोमर के लिए। आप कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा? नोट डाउन करो सिंपल कंसेप्ट से, कोई ज़्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं है। फिर मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मिरर इमेज और मिरर मीजोमर कौन से होंगे और कौन से आपके, ठीक है, मीजोमर कौन से होंगे और कौन से आपके आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ जाएगा तुम लोगों को? क्लियर हो गया पॉइंट? किस किस को क्लियर हुआ बेटा मैंने जो बोला?
समझ में आया बेटा? इसकी जो थियरी में लिखा रहा हूँ ना, वो थियरी कमांड में कर लेना, वो थियरी ही कमांड में करना, क्योंकि थियरी जो लिखाई है ना, वो अगर अच्छे से कमांड में कर ली तुमने तो तुम्हें सब आ जाएगा। समझ में आ गया? आइडेंटिकल तो तुम्हारा पहले भी था, आइडेंटिकल तो तुम्हारा पहले भी था ना बेटा, पहले भी निकाला था, लेकिन क्या वो मीजोमर थे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं बैठ ही नहीं रही। चेक करो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल चेक करो, क्या उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री बैठ रही है? रेफरेंस मॉलिक्यूल कल वाला चेक करो, कल वाला चेक करो क्वेश्चन, क्या उसमें रेफरेंस मॉलिक्यूल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, तो वो आइडेंटिकल है लेकिन मीजोमर वाला नहीं है। मीजोमर ऑल्सो वो आइडेंटिकल, मीजोमर आपका क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल होता है, लेकिन उस कौन सा वाला आइडेंटिकल होता है? जिसमें सी स्टार भी होता है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला आइडेंटिकल होता है, विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला आइडेंटिकल वो अलग होता है। समझ में आया? देखो लिख लिया ये तुमने, आज तो सही पहन के आए ना बेटा कपड़े? नहीं, पड़ोसी से बोल रहा हूं। तो तुम लोग कितना मेहनत करते हो? लिख लिया सबने पूरा? लिख लिया? लिखने का टाइम दिया है आज? अबे तू लिख के भी फिर पढ़ नहीं सकता ना अपनी चीजें, लिखता क्यों है तू? एक बार पेंसिल से लिखता है, उसके ऊपर पेन से लिखता है। आ गया ये, चलो इसको देख लेते आप। अब लिखो एग्जाम्पल बताओ या फिर सीधा आगे बढ़ो, एग्जाम्पल्स कराओ। अगर भाई वैसे मैं एग्जाम्पल्स ही कराता आगे तो नहीं बढ़ता, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। दो दिन बाद तुम लोग बोल दोगे सर इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ है फिर वो कराने के लिए आना पड़ेगा। अब देखो इधर, ठीक है, ये फर्स्ट है, बताओ ये क्या होंगे? और अच्छा कर देते इसको, और थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, सबसे पहले एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है? फर्स्ट, सबसे पहले थर्ड और फोर्थ को अगर तुम गौर से देखोगे तो कल तुमको बताया था मैंने निकालना, कल तुमको कैसे निकाला था बेटा? पहले हम थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड एंड
फोर्थ की बात करें, थर्ड एंड फोर्थ की, तो देखो थर्ड एंड फोर्थ में क्या बात करनी थी बेटा, बोलो जल्दी से। एक बार सी एस थ्री का है बेटा यहाँ पर ऊपर है, और एक बार सी एस थ्री का है बेटा यहाँ पर नीचे, ऐसा ही है ना। एक बार जस्ट इसका क्या है बेटा उल्टा, देखो सी एस थ्री एक बार बाहर है तो एक बार अंदर कर दिया, मतलब जस्ट इसका क्या है बेटा एक बार उल्टा। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, सामने लिखो मत, पहले देख लो समझ लो, लिखोगे तो मार खाओगे। अब बहुत देर से लिखते हुए देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आप बताओ डैश और वेज कैसे कल डिसाइड किया था मैंने, डैश और वेज कैसे डिसाइड किया था कल मैंने, बताओ। मैंने ऊपर वाले को क्या माना था, वेज मान लिया था ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को मैं क्या मान लूँगा यहाँ पर मैंने वेज, और नीचे वाले को क्या मान लिया था मैंने आपका डैश मान लिया था ना, नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया था बेटा आपका डैश। अब नीचे वाले को क्या मान लिया बेटा मैंने यहाँ पर डैश, और ऊपर वाले को क्या, सॉरी ये हो गया, ऐसा ही माना था, ऐसा ही माना था ना, पक्का उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, क्या उल्टा कर दिया, ये वेज कर दिया और ये इसको डैश करना है। चलो बहुत बढ़िया, कल मैंने माना था ना, कल मैंने माना था ना, ये मुझे बोलो हाँ या ना, तो तुम लोगों ने गलत क्यों बताया मुझे। अब देखो इधर माना था ऐसा ही, अब क्या करेंगे बेटा, तुम्हें कल का प्रोसीजर बताया मैंने, साइक्लिक वाला कराया था ना कल मैंने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को। अरे तुम लोगों को सारी एग्जांपल कराने के बाद भी याद नहीं आता, कैसे बच्चे हो तुम लोग। देखो ये हो जाएगा वन, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा वन, ये हो जाएगा आपका टू, ये हो जाएगा आपका थ्री, और ये हो जाएगा आपका फोर। तो देखो यहाँ पर कि कैसे बना बेटा, ये आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, देख लो सामने नीचे देखो समझो पहले, ये आपका ऐसे बना हुआ है, ये आपका वन है, ये आपका टू वाला है, ये आपका थ्री वाला है, और ये आपका फोर वाला है। आप बताओ क्या होगा, फोर को नीचे लाना, फोर तो आप फोर को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी को वेज पर, थ्री ऊपर जाएगा, वन इधर जाएगा, टू यहाँ जाएगा, तो वन के बाद कहाँ आएंगे टू, टू के बाद थ्री ऊपर, तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, एस कन्फिग्रेशन, समझ में आ गया। इसका कन्फिग्रेशन निकालें, निकालो बड़े प्यार से निकालो, इसका कन्फिग्रेशन कैसे निकालोगे, ये ऐसा है ऐसा है, ठीक है, और ऊपर ऐसा है और यहाँ पर नीचे वेज है, ठीक है, और ये वाला आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी वन होगा, ये वाला क्या हो जाएगा टू, ये वाला क्या हो जाएगा थ्री, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका फोर। तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, वन टू थ्री, ये कौन सा कन्फिग्रेशन हुआ, ये भी आपका एस कन्फिग्रेशन, समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ कन्फिग्रेशन निकालो, यहाँ क्या करोगे बेटा बोलो जी जल्दी से, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, वेज में, ठीक है। मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो करते जाओ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब बोलो क्या करोगे बेटा जल्दी बताओ, ये ऐसा है ऐसा है, और ये ऐसा है, और ये के आपका ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब आपको अब बोलो वन कहाँ होगा, वन कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर सी एच थ्री सेकेंड एटम कौन सा होगा, सेकेंड एटम आपका सी, सी सेकेंड एटम भी आपका सी होगा, सी सी एच एच सी 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 एच, यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या होगा सी एच एच, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, समझ रहे होंगे, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और ये आपका फोर हो जाएगा। तो कौन सा कन्फिग्रेशन हो गया बेटा, ये आपका आर हो गया, ये आपका, समझ में आ गया। इस पर निकालो कन्फिग्रेशन, इस पॉइंट पर कन्फिग्रेशन निकालो बेटा, ये सी एच थ्री और ये एच, जल्दी बोलो क्या होगा बेटा, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा, ये आपका फोर हो जाएगा। क्या करोगे बेटा, अल्टी पल्टी मारोगे, मारो अल्टी पल्टी। अब ये ऊपर, ये नीचे, ये इधर और ये इधर, वन के बाद टू कहाँ आ गया, इधर आ गया, थ्री यहाँ आ गया, तो ये भी कैसे घूमा बेटा आपका, ये इसी तरीके से घूमेगा, ये भी आर, ये आर और ये आर। अब चेक करो, अब चेक करो, समझो पहले, समझो पहले सामने कि ये ऐसे ऐसे, और ये क्या बना है इसका
आर आर एग्जैक्टली क्या बना? हाँ, तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा? मिरर इमेज है कि नहीं है बेटा? मिरर इमेज है, समझ में आया? ये दोनों आपस में क्या है बेटा? मिरर इमेज है। लेकिन सुपर इम्पोज या फिर नॉन सुपर इम्पोज? ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ये क्या ये सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज? नहीं पता पड़ा होगा तुम लोगों को। क्या ये अगर मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? चेक करो, नहीं है ना। कहीं से कहीं तक इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस है, इसका मतलब ये आपका कौन सा वाला होगा? इनेंशियोमर। कौन सा वाला होगा बेटा? ये आपका इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कौन सा रिलेशनशिप रखते हैं? बोथ आर इनेंशियोमर टू ईच अदर। बोथ आर इनेंशियोमर टू ईच अदर, समझ में आया? क्या होगा बेटा? बोथ आर इनेंशियोमर टू, बोलो जल्दी से सब, ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? इनेंशियोमर हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइनली मैं क्या बोलूँगा? इनेंशियोमर पेयर। क्या बोलूँगा कंबाइनली? इनेंशियोमर पेयर, या फिर मैं क्या बोलूँगा इसको? डीएल पेयर। डीएल पेयर क्यों बोलेंगे वो तुमको मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन इसको कंबाइनली क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इनेंशियोमर पेयर। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब क्या करेगा? दोनों एस है ना, दोनों एस है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड या तो प्लेन पोलराइज। मान लो कि एस वाला तुम्हें लेफ्ट साइड प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा है, तो आर वाला कहाँ घुमाएगा? राइट साइड। तो ये दोनों एस है तो कम्प्लीटली कहाँ घुमाएगा? और ये दोनों, समझ में आ गया ये वाला? अब हम देखते किसके बारे में बेटा? फर्स्ट और सेकेंड के बारे में। अब तुम लोग बनाओगे आर एस। आर एस कैसे बनाएंगे? तो तुम्हें आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा तुमको। अब आर एस कैसे बनाना है जल्दी जल्दी देखो। इसका एक बार दोनों अंदर कर दो ना, दोनों अंदर आ जाएंगे, मतलब ऐसा आ जाएगा। ये जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा ना, तो ये दोनों अंदर बना लो। कहाँ बना लो? दोनों अंदर ही बना लो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा, या फिर इसको ऐसे ना बना बना के, ना इसका मिरर इमेज बेटा यहाँ आई, यहीं रखो ना। मिरर इमेज तो ऐसा ही होगा ना बेटा, ऐसा अंदर थोड़ी ना जाएगा। मिरर इमेज वैसा थोड़ी ना होता है। एक्चुअली वो मैंने कब बनाने को बोला था पता है? इसका एक और मिरर इमेज ऐसे बना सकते हो तुम लोग, ये सी एस थ्री अंदर, ये सी एस थ्री अंदर। अब ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है, ठीक है। ये दोनों भी मिरर इमेज है, लेकिन तुम पहले इसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है ना। इसके बारे में बताता हूँ मैं, ये कंफ्यूज मत हो। देखो ना मैंने क्या किया मिरर इमेज बनाने के लिए, एक बाहर था तो उसको एक अंदर किया, एक अंदर था तो उसको मैंने क्या किया बेटा? बाहर किया, ऐसा ही किया ना। लेकिन यहाँ पर तो इस तरफ बनाया, तो दोनों कहाँ आ गए? उस तरफ आ गए, समझ में आया। अब निकालो उसका आर और एस, पहले और दूसरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। अब फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं, बोलो जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड को मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, बताओ बताओ। फर्स्ट और सेकंड को कैसे बनाने वाला हूँ, बताओ जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड को कैसे बनाने वाला हूँ? मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा बेटा, तुम लोग मुझे आंसर बताओ बस। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, तुम लोग पहले मुझे आंसर बताओ। अब देखो CH3 CH3 दोनों एक साइड है, तो अगर मैंने CH3 CH3 को एक बार दोनों को एक साइड माना, ठीक है, एक साइड माना, तो क्या मानोगे बेटा तुम लोग? इसको नीचे मान लो, ठीक है। इसको मैंने नीचे मान लिया एक बार, और एक बार समझना, एक बार। अब देखो तुम लोग इसको ऐसे बना, ये आपका ऐसे ही है। एक और मैं बना देता हूँ, ये ऐसा बना देता हूँ। देखो एक बार दोनों अंदर है, एक बार दोनों कहाँ है बेटा? बाहर है। मतलब तुम समझ नहीं पाए, ये आपका समझना, ये आपका देख देखो सामने मॉलिक्यूल, ये आपके दो सी एस थ्री है। पॉइंट का डायरेक्शन देखो इधर, ये आपके दो सी एस थ्री है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगा? एक जस्ट
इस बार कहाँ है साइक्लोहेक्सेन के, अगर तुम ऐसे देखोगे तो कहाँ है, तो तुम्हारी दादी तरफ, और इसका मिरर इमेज कैसे होगा, तुमसे दूर होगा, मतलब एक बार वेज पर होगा तो एक बार डैश पर होंगे दोनों। समझ में आया तुम लोगों को? इसीलिए मैंने यहाँ पर अंदर की ओर बोला है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो एक बार क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, एक बार दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, वेज पर, सॉरी डैश पर बना दिया, और एक बार दोनों के दोनों कहाँ आएंगे बेटा, जल्दी बोलो, वेज पर आएंगे। समझ में आया तुम लोगों को? ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझो, एनालिसिस करने वाला है कम्प्लीटली। अब इसका आप लोग है ना आरएस निकालो, अब इसका आप लोग निकालो आरएस। अब इसका आप लोग निकालो आरएस थोड़ा सा। अब देखो ये आपका इधर है, ये आपका इधर है, ये आपका कहाँ है बेटा, CH3 आपका नीचे है, और H आपका कहाँ है बेटा, ऊपर है। अब बोलो कैसे निकालोगे आरएस, बोलो। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। अब किसको किसको घुमाओगे बेटा, ये नीचे जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे, 1 के बाद 2 कहाँ आएगा बेटा, 1 के बाद 2 कहाँ आएगा इधर, और 3 कहाँ आएगा ऊपर। तो ये कैसे घूमेगा बेटा, आप लोगों को पता पड़ गया होगा कौन सा है रोटेशन, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा। अब इसका रोटेशन कैसा होगा निकालो, इसका रोटेशन कैसा होगा जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये आपका ऐसा होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो कैसा होगा रोटेशन इसका जल्दी बोलो, 2 को मैंने इधर बनाया, 1 को यहाँ किया, 4 को नीचे लाना है ना, 4 नीचे लाने के लिए 3 ऊपर किया, 2 यहाँ किया, 1 यहाँ किया, 1 2 3, कैसा रोटेशन हुआ बेटा ये आपका, आर रोटेशन। ये आपका कौन सा रोटेशन हुआ बेटा आपका, आर। अब उसमें चेक करो बेटा, देखो यहाँ पर ये आपका CH3 ऐसे, यहाँ पर ये H आपका ऐसे। अब बोलो कैसा होगा बेटा ये आपका, ये आपका हुआ 1, ये आपका हुआ 2, ये आपका हुआ 3, ये आपका हुआ 4। तो कैसा होगा रोटेशन 1 2 3, बताओ कैसा होगा भाई, जल्दी बोलो, ये आपका कौन सा होगा, R। समझ में आया बेटा तुमको? अब इसमें कैसे होगा बेटा जल्दी बोलो, ये आपका CH3 ऊपर, H डैश नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और अब ये 4 हो गया। अब बताओ यहाँ रोटेशन कैसा हो गया बेटा, S हो गया रोटेशन, यहाँ पर रोटेशन हो गया बेटा आपका S। तो ये क्या हो गया बेटा, S। अब देखो दोनों तुमको क्या, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रुको, ये C स्टार किस किस से जुड़ा हुआ है, CH3, CH2, CH, समझ में आया, S। और ये वाला C स्टार किस से जुड़ा हुआ है, CH3, CH2, तो ये S ऐसे हो गया ना। ये वाला C स्टार किससे जुड़ा हुआ है, CH3, CH2, तो ये वो R है, तो ये भी आपका क्या है बेटा, R है। तुम्हें समझ में नहीं आया, एक्चुअली ये वाला इसका है, एक्चुअली देखा जाए ना, सुनना ध्यान से, रियल में तो S वाला इसका है, और अब वो R वाला क्या है बेटा, ये वाला है। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने की वजह से ये अगर S होगा तो यहाँ पर भी तो इसका, यहाँ पर भी तो सिमिलर ही आया, यहाँ पर ही तो इसी का भी तो सिमिलर आया, तो इसीलिए इसको मीजो बोलते हैं। समझ में आया? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री खींच सकती है दोनों से, जब दोनों से आपकी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री खींच सकती है तो दोनों कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे के बेटा, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, आइडेंटिकल लग रहा है ना, देखने में क्या लग रहा है आपको, आइडेंटिकल लग रहा है, आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये आपके आइडेंटिकल हो गए। लेकिन वो आइडेंटिकल कौन से बेटा, आइडेंटिकल कौन से बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले, और प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले आइडेंटिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा,
मीजोमर, और इन दोनों का हम कितना काउंट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर? केवल और केवल एक। केवल और केवल कितना काउंट करेंगे? एक। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? श्योर? लिखो। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक और एग्जांपल कराता हूँ, जल्दी करो। जल्दी करो, एक और एग्जांपल कराता हूँ। समझ में आया क्या खेल चल रहा है? इनेंशियोमर क्या होते हैं? अब घर जाके तुमको क्या पढ़ना है बेटा? घर जाके देखो, देखो इधर सामने सब, घर जाके तुमको एनालिसिस करना है कि इनेंशियोमर क्या बताया सर ने अच्छे से, ठीक है? और क्या मीजोमर क्या बताया सर ने वो अच्छे से देखना है, ठीक है? आइडेंटिकल क्या होता है वो अच्छे से देखना है, ठीक है? और कौन सा बताया बेटा? और डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है वो अच्छे से देखना है। समझ में आया? समझ में आया? अगला समझो, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैच द कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर सी स्टार या फिर डिसिमिलर सी स्टार? यहां पर मीजो में इसको क्या 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 बोलेंगे? सिमिलर सी स्टार या फिर डिसिमिलर? सिमिलर सी स्टार बोलेंगे ना। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, लिख लिया इसको? लिखो लिखो, बनाओ बनाओ बनाओ, तुम लोग बना लो पहले, जल्दी से आराम से बना लो। तुम लोगों ने सामने ध्यान दिया था लिखने पे, लिखने पे क्या, देखने पे ध्यान दिया था। आराम से लिखो तुम लोग, समझो, लिख लिया ना अब इसको? अब देखो अगला लिखो, अगला लिखो। देखो इधर अगला समझना बेटा, यहाँ पर
कि अब तुम्हें लिखो क्वेश्चन, मैच द कॉलम। बातें मत कर, समझना है एक एक लाइन को समझो। ये क्या बेटा आपका ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ए का क्या होगा, इनेंशियोमर क्या होते हैं, इनेंशियोमर किस में दिखते हैं, इसको सिमिलर की जगह सिमेट्रिकल करना सही रहेगा, सिमेट्रिकल करो, और इसको क्या बोलो, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि वो ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, ठीक है। हाँ बोलो अब क्या होगा, इनेंशियोमर किस में मिलेगा बेटा आपको, वो ए के लिए क्या क्या सही होगा, एक तो क्यू सही होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सी स्टार में ही प्रेजेंट होगा, और किस में प्रेजेंट होगा बोलो जल्दी से, आर, क्योंकि रेफरेंस मॉलिक्यूल के सिमिलर नहीं होगा। ए के लिए क्या होगा सही आपका, क्यू और आर। बी के लिए, बी के लिए बताओ बेटा, आइडेंटिकल विदाउट पी ओ एस, वो आइडेंटिकल है लेकिन विदाउट पी ओ एस है, तो क्या होगा, केवल और केवल किस में मिलेगा,
अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ही मिलेगा, आइडेंटिकल विदाउट POS, केवल और केवल इसका क्या आएगा बेटा, Q होगा। ऐसा नहीं हो बोलेंगे ना हम इसको कि वो आइडेंटिकल होगा तो मिरर इमेज तो होगा, वो आइडेंटिकल होगा तो रेफरेंस मॉलिक्यूल से हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? वो खुद में वही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में खुद में वही मॉलिक्यूल होगा। समझ में आया? अगला कौन सा है बेटा? सी, सी वाला बोलो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स। किसमें भी, किसमें आपको दिखेगा डाइस्टीरियोमर्स भी आपको किसमें दिखेगा बेटा, डाइस्टीरियोमर्स किसमें आपको दिखेगा? पी क्यू दोनों में आपको दिख सकता है डाइस्टीरियोमर्स, पी क्यू दोनों में आपको दिख सकता है डाइस्टीरियोमर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले में भी आपको डाइस्टीरियोमर्स दिख सकते हैं। कैसे पूछो? जो पहला जो क्वेश्चन कराते हैं इससे पहले, उस क्वेश्चन में फर्स्ट मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल के बीच रिलेशनशिप चेक करो फर्स्ट मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल के बीच। अभी जो साइकिल वाला कराया था वो था डाइस्टीरियोमर्स टू ईच अदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री था ना, और इससे पहले वाले में कहाँ था? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, फिर भी डाइस्टीरियोमर्स निकला था ना उसका, तो डाइस्टीरियोमर्स दोनों में आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। अगला कौन सा है बोलो? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल विद POS, इसका मतलब क्या है बेटा आपका बोलो? मीजोमर। कौन सा है इसका मतलब? मीजोमर। मीजोमर किसमें होगा? एक तो ए में होगा, सिमेट्रिकल विद सी स्टार, और क्या होगा इसमें? मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू द रेफरेंस मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, ए का डी का क्या आएगा? पी और क्या आ जाएगा बेटा आपका? एस। बहुत हार करेक्ट। समझ में आया तुम लोगों को? अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मन से कर लेना बेटा, सारी थियरी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मन से करना, तब जाके तुम्हारी सारी थियरी आपकी क्या होगी बेटा, इससे रिलेटेड कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको लगाना है। समझ में आया? समझ में आया आपको बेटा? थोड़ा सा मैंने इस बार मैच द कॉलम इसलिए मैं इस ये वाले सेगमेंट में थियोरिटिकल में इसलिए मैच द कॉलम लेता हूँ कि यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट ज़्यादा है, और यहाँ पर देख लो मैच द कॉलम यहाँ पर आप तो यहीं पर किसी में नहीं बनेंगे उतने खतरनाक, ऑप्टिकल आइसोमर में ही तुम्हारे मैच द कॉलम डेंजरस बनने वाले हैं, तो हर लेवल के मैच द कॉलम में तुमसे करवा लूँगा यहाँ पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर करवाऊंगा। आप देखो अगला क्वेश्चन, मेज द कॉलम नहीं है, मेज द कॉलम अभी तक एक ही होगा जो ऐसा होगा, इसके अलावा कोई मेज द कॉलम नहीं बन सकता, ठीक है। बस वो मॉलिक्यूल दे के मेज द कॉलम करवाएगा, आइडेंटिकल है या मीजोमर है वो तुम लोग कर लोगे। थियरी बेस केवल अभी तक एक ही बनेगा जो मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद एंड में तुमको मैं GI और ऑप्टिकल दोनों का एक मेज द कॉलम कराऊंगा, वो भी ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, आप देखो इधर थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है, तो एनालिसिस द मॉलिक्यूल, एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा अभी समझो मत, अभी तुमको नंबर भी मैं अभी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आगे मैं अलग से एक और बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। पहले इसको समझ लो, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर कोई भी कंपाउंड कहाँ दिखाता है बेटा, कहाँ दिखाता है बोलो? सी स्टार पे। तो यहाँ पर कितने सी स्टार है बेटा? 2 सी स्टार है। इससे हमारे कितने टाइप के मॉलिक्यूल बनने को तैयार है बोलो? बोलो सबसे पहले एक ऐसा बन जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, OH इधर एक बार, OH यहाँ पर, ऐसा मैं एक बना लूँगा। और एक कैसा बना सकता हूँ बताओ, और एक कैसा बना सकता हूँ बताओ, और एक मैं कैसा बना सकता हूँ, एक बार दोनों OH कहाँ आ जाए बेटा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया? मुझे ऑप्टिकली काउंट करना है, मुझे कौन सा काउंट करना है?
ऑप्टिकल, मुझे OH को उठा के यहाँ नहीं ले जाना। अगर मैं OH को उठा के सामने, देखो सब, OH को उठा के अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? स्ट्रक्चरल। कौन सा हो जाएगा वो आपका? IUPAC नेम बदल जाएगा ना, तो वो स्ट्रक्चरल होगा। मुझे OI काउंट करना है, मतलब मॉलिक्यूल को उठा के बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, बॉन्ड को मुझे तोड़ना नहीं है, वैसे ही देखना है। आप देखो, बताओ अब यहाँ पर, आप बताओ यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनाओ, बनाओ इसका, बताओ आप। सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसका, निकालो इसका। कैसे निकालोगे RS? निकालो पहले फटाफट इसका ऊपर वाले का, कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। ये CH3 ऊपर है, OH इधर है, H इधर है और नीचे ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका वन वन कौन सा होगा? ये नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 क्या होगा बेटा जल्दी बोलो। एक्सचेंज करो, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 आ गया, तो क्या हो गया बेटा ये आपका S। अब ऊपर वाले का निकालो, ऊपर सॉरी ये हो गया B, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। निकालो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। बोलो क्या हो जाएगा? ये नीचे, ये इधर, ये इधर उधर, जल्दी जल्दी बोलो। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 2 3 क्या हो जाएगा बेटा ये आपका S हो जाएगा। नीचे वाला भी आपका क्या हो गया? S। समझ में आया? समझ में आया? इसका निकालो, इसका कितना होगा, इसका क्या होगा? खुद से मत बताओ, निकालो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें ही आता है क्या दिमाग लगाना? बेटा हालत ख़राब कर दूँगा। मिरर इमेज ये मुझे भी पता है, तो एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा ये मुझे पता है, लेकिन तुम्हें निकाल लो, तुम निकालना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा उसमें ऐसा नहीं दिखेगा तुमको कि मिरर इमेज है। क्वेश्चन में तुमको एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखने वाला ही नहीं है, और तुमसे पूछने वाला क्या है कि मिरर इमेज वाला कौन सा होगा इसका, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन में आने वाला है बेटा तुम्हारा। रिएक्शन में तुम्हें क्या पूछेगा मालूम है? ये इस कंपाउंड से ये प्रोडक्ट बना है, बताओ बताओ आपका प्रोडक्ट क्या होगा? इनेंशियोमर होगा, मीजोमर होगा, डाइस्टीरियोमर होगा या फिर मिरर इमेज होगा? मतलब आप समझ लो, पूरी ऑर्गेनिक के आधे क्वेश्चन में ना ये आपको देखने को जरूर मिलेगा रिएक्शन में। और मैं सब जगह में इसी से पढ़ाने वाला हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर हर किसी में बताने वाला हूँ। क्या आया बेटा ये आपका? ये आपका R आ जाएगा और ये भी आपका क्या आ जाएगा बेटा? अब R। तो ये बताओ ये क्या हुआ, कौन सा मिरर इमेज हुआ? ये आपका किस टाइप का मिरर इमेज हुआ? सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल? ये अलग हो गया ना, प्लेन ऑफ रोटेशन अलग हो गया, इसका मतलब क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना, एग्जैक्ट मिरर इमेज है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? इन दोनों को क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इनेंशियोमर पेयर। ये आपका क्या होगा? इनेंशियोमर पेयर होगा, या फिर क्या बोलेंगे इसको? DL पेयर लिखवाया था मैंने, समझ में आ गया? दोनों का पेयर इनेंशियोमर पेयर या फिर DL पेयर। और अगर ये आपका ऐसा हुआ, देखो यहाँ पर ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH और ये आपका H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3। आप देखो बेटा ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला आपका होगा S, सिमिलर है ना, और नीचे वाला आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका R। और इसका मिरर इमेज क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा होगा? R। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? S।
तो क्या तुम इसमें बता सकते हो कि ये आइडेंटिकल है या फिर मिरर इमेज है? बताओ, ये आइडेंटिकल है या मिरर इमेज है? नीचे वाले को कंपेयर करो, बोलो इससे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? ओ एच सी एच थ्री और एच कौन सा है? आर। यहाँ चेक करो इससे कौन सा जुड़ा हुआ है? आर, मतलब सेम हो गया ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा आपके, बोलो आइडेंटिकल। क्लियर हो गया तुम्हें? अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना उसमें, तो ये किस टाइप का आइडेंटिकल हुआ? मीजोमर हुआ। क्या हुआ बेटा ये आपका? अब क्लियर हो गया तुम्हें पॉइंट, मीजोमर कैसे निकलता है और आइडेंटिकल कैसे निकलता है? समझ में आ गया? तो देखो ना, ये दोनों सिमिलर है, तो इनमें से कितना काउंट करूँगा मैं? और क्या दोनों सिमिलर है तो इनमें से कितना काउंट करूँगा? जीरो क्यों? इनमें से दोनों को काउंट करूँगा ना, ऑप्टिकल आइसोमर पे दोनों को काउंट करूँगा। टोटल कितने हो गए बेटा ये? तीन। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसके? तीन। ये अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने लिया था समझाने के पर्पज से, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगला क्वेश्चन, अब बताओ कितने यहाँ पर है? अब इसी वही क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन देना है। बताओ जल्दी से कैसे करोगे? सबसे पहले समझोगे, दो सी स्टार है, दो सी स्टार है ना बेटा, एक बार ओ एच यहाँ होगा तो एक बार ओ एच यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी टू एच फाइव, और एक बार क्या होगा बेटा, एक बार कौन सा कंडीशन बनेगा? दोनों ओ एच इस तरफ हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बताओ बेटा इसमें एक और चीज़ पूछना भूल गया मैं, मुझे एक चीज़ बताओ, वन और फर्स्ट और इसमें क्या रिलेशनशिप है? डाइस्टीरियोमर टू ईच अदर, सेकेंड और इसमें डाइस्टीरियोमर टू ईच अदर, फर्स्ट और इसमें डाइस्टीरियोमर टू ईच अदर, इसमें और इसमें मिरर इमेज, इसमें और इसमें आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा ना ये, बट नॉट क्या आइडेंटिकल होगा? कौन सा? विद पी ओ एस, विद पी ओ एस हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, केवल इन दोनों में से एक को काउंट करेंगे। समझ में आया? अब जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इसका ये और ये आपस में क्या होंगे? ये और ये आपस में क्या होंगे? अब देखते ही आना चाहिए, डाइस्टीरियोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? अब देखते ही समझना चाहिए तुम्हें। अब बोलो यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? बोलो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन यहाँ पर, चार यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो और चार में एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा, वन टू थ्री, मतलब कैसा? एस। ये वाला बोलो अब, आपका एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन यहाँ पर और चार यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तीन यहाँ आ जाएगा, घुमाना आराम से, एक एक चार को नीचे लाना है ना, तो ये हो जाएगा एक, एक दो तीन चार, पहला एक दो तीन चार, इन दोनों को घुमाया तो यहाँ पर तीन आ गया, अब इन दोनों को घुमाया तो यहाँ पर एक आ गया, तो ये एक दो ऐसा हो गया,
अब इसका मिरर इमेज बनाओ, तुम लोग पढ़ के बिल्कुल नहीं आ रहे बेटा। इसका होगा, इसका क्या होगा बेटा बनाओ, इसका होगा बेटा आपका R और इसका भी क्या हो जाए बेटा आपका R। समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन निकालना तुम लोग घर जाके, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका क्या बनेगा बेटा, इसका हो जाएगा OH और ये H, OH H, इसका क्या हो जाएगा OH H CH3 C2H5। अब जल्दी से बोलो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा S हो जाएगा इसका, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका R हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? देखो अब समझना बात को यहाँ पर, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा आपका R और ये क्या हो जाएगा आपका S। अब बताओ ये दोनों मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल होंगे, होंगे ना आइडेंटिकल। कैसे होंगे देखो, एक कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा बोलो, C2H5 और OH और H, जहाँ C2H5 वाला कौन सा है नीचे और OH, ये तो R है ये तो S है, क्या ये आइडेंटिकल हुआ? ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज हुआ इस बार, क्योंकि डिससिमेट्रिकल है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ मिरर इमेज। तो ये भी मिरर इमेज है, ये भी आपका क्या बेटा मिरर इमेज है, और ये भी आपका क्या है बेटा नीचे वाला भी मिरर इमेज है। आप समझ में आया तुम लोगों को, मिरर इमेज है। यहाँ पर तो ऊपर नीचे क्यों काउंट कर रहे थे, क्योंकि दोनों सिमिलर थे, यहाँ पर सिमिलर है नहीं है ना, तुम्हें पता पता था ना, मैंने कॉम्बिनेशन बनाता था सिमिलर में, तो एक को मैं काटता था, वैसा ही कुछ खेले। तो समझ में आया, समझ में आया पक्का, क्लियर? सोच लो ये मिरर इमेज है, ये और ये आपस में क्या 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 है। अब तुम्हें सारे टर्म्स याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसके टोटल कितने बनेंगे, आ गए अब तुम्हें, और दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा एनेंशियोमर पेयर, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा एनेंशियोमर पेयर। मीजोमर कहाँ बनेगा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, दोनों के दोनों क्या बनेंगे बेटा एनेंशियोमर पेयर। क्लियर हो गया तुम्हें? यहाँ पर कैसे निकाला पता पड़ा, एक कार्बन सेंटर को पकड़ा, एक से क्या जुड़ा हुआ है CH3, एक से क्या जुड़ा हुआ है OH, एक से H, एक से ये वाला ग्रुप, एक से क्या जुड़ा हुआ है C2H5, एक से OH, एक से H। तो यहाँ पर कौन सा कन्फिगर्ड आया S, बट यहाँ पर कौन सा आया C2H5 से जुड़ने वाले का R, तो क्या आ जाएगा बेटा ये आपस में मिरर इमेज। समझ में आ गया? चलो ठीक है।